अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एमवी बोर्डशाला। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज का जो हमारा पेपर है वो सोशल साइंस का 10th क्लास का। तो ये रहा क्वेश्चन पेपर, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह और भी सेट जो है वो मैं अपलोड करते जाऊँ और आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होती जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के माई वीडियो। फर्स्ट इसमें दिया है चूज द राइट ऑफ, ये इंस्ट्रक्शन सारे दिए हुए हैं कि क्वेश्चन नंबर 1-2, और ये जो पेपर है वो पूरा बोर्ड पैटर्न पर बना हुआ है। अगर आप ये पेपर सॉल्व कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप इस तरह और प्रैक्टिस करते रहना है, आपको 90-100 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, ये जो पेपर है एटलीस्ट आपको ये पेपर तो लर्न करना ही करना है और इसको सॉल्व करना ही करना है। पेपर सॉल्व करने के बाद बताइएगा जरूर कि आपको ये पेपर सॉल्व करके आपको क्या लगता है कि कितने मार्क्स आपके आए और आपने कितने मार्क्स का पेपर सॉल्व किया, कमेंट बॉक्स में ये मैसेज करके जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब फर्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन से, ये जो चूज द करेक्ट ऑप्शन दिए हुए हैं ये पूरे 6 दिए हुए हैं, इनको आपको रीड करना है और आंसर्स देखना है कि ये इसके आंसर्स आपको आ रहे हैं। हाँ, और अगर आपको नहीं आया आंसर, आपने सर्च कर लिया, आपने बहुत ढूंढा, आंसर आपको नहीं मिला, तो परेशान ना हो, कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका मैम इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा, आंसर मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, क्वेश्चन नहीं आ रहा हो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसका आंसर बता दूंगी। बट आपको ये मैं इसके आंसर्स में नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है इसकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, थर्ड है मैच द कॉलम, फोर्थ है वन वर्ड, फिफ्थ टिक द करेक्ट आंसर। अब इसी क्वेश्चन नंबर 6 से हमारे क्वेश्चन आंसर शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हैं और में दिया है, ज्यादा चालाकी मत करिएगा कि दो और के ही दोनों क्वेश्चन आप लोग लिख लो, नहीं, आपको इन दोनों में से कौन सा एक आंसर लिखना है, इन दोनों में से एनी वन क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपको वो लिखना है, दोनों नहीं लिखना। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 जो बहुत अच्छे से आ रहा हो वो लिखिए, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 and 23। ये बहुत इजी पेपर है, अच्छे से इसको सॉल्व करिए और फिर बताइएगा जरूर कि आपने कितना इसको सॉल्व किया और कितना आप कर पाए। चलिए मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट डे न्यू क्वेश्चन पेपर के साथ, न्यू IMP क्वेश्चंस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।